यह कहानी सन 1959 की है, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। अंग्रेजों को गए 12 साल हो गए थे, लेकिन उनका असर अब भी पुरजोर था। नशाबंदी सिर्फ कहने को थी, क्योंकि शराब पीने या पिलाने वालों की कोई कमी नहीं थी। मुकदमों का फैसला तब जज की बजाय जूरी किया करती थी और राज कपूर की फिल्म अनाड़ी ने धूम मचा रखी थी। उन दिनों भारतीय नौसेना का दबदबा हिंद महासागर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा था। Signal from fleet headquarters. Captain को दिखाओ, sir. Sir, signal from fleet headquarters. Chief साहब, extra bridge. Yes, sir. EXO requested bridge, Captain. Sir, Arustam, take charge. Navigating officer, sir. Maintain this route to Bombay, sir. Chief Saab, machine guns to stand down. Aye, aye, sir. Do you hear that? Do you hear that? This is the EXO speaking. The halt at Batticaloa has been cancelled, and we are sailing directly to Bombay. Our estimated date of arrival will now be 26th April 1500 hours. Instead of 5th of May. मेम साहब, विक्रम साहब की गाड़ी आ गई। कुछ मत बोलना। Cynthia, where are you? मैम साहब बाहर गई है साहब। कब? कल दोपहर। थैंक यू। हेलो प्रीति, रुस्तम। ओ हाय रूसी, कब आए? बस अभी। सिंथिया को फोन देना प्लीज। सिंथिया तो यहाँ नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो कई दिनों से नहीं मिली। ओके ओके। बट
मेरी प्यारी सिंथिया, तुम्हारे जैसी औरत लाखों में एक है। मैं तुम्हारी खूबसूरती की बहुत कदर करता हूं। तुम्हारे साथ बिताई हुई उस रात की यादें मुझे सोने नहीं देती। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। हेलो भाणा भाई, कमांडर रुस्तम पावरी बोल रहा हूँ, विक्रम को देना। लेकिन कमांडर साहब, बाबा तो घर पे नहीं है। रहने दो जमुना भाई। हाथों में तेरा हाथ हो और सफर पे तेरा साथ हो, आंखों में डालकर आंखें बिन कहे ही सारी बात हो। खुशबू तुम्हारी जुल्फों की अब तक बसी है सांसों में, महक जाती है रूह मेरी जब आती हो तुम बाहों में। तूने आंखों से जो कह दी थी वो बात कैसे भूलूंगा, तेरे संग में जो गुजरी थी वो रात कैसे भूलूंगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा विक्रम। प्लीज, आई कैन एक्सप्लेन। ट्रस्ट मी डार्लिंग, यू कैन नॉट।
go soft on me, Lieutenant Brist. Go get me the register. Sir. विक्रम है? विक्रम सर तो आए नहीं है अभी तक। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय या कॉफी मंगवा देती हूँ। No, thank you. You're looking gorgeous today. Thanks. Bye. कैसे हो बाना भाई? साहब कुछ बोला क्या? नहीं सर। जैन साहब सच बताओ, कल रात ड्यूटी के वक्त कहां थे तुम लोग? कसम से सर, कल रात को जीप लेके पेट्रोलिंग में निकले और टायर पंक्चर हो गया। बहुत ढूंढने के बाद एक दुकान मिली, उधर पंक्चर बनाया। इत्तफाक तो नहीं हो सकता। तुम लोग वही जीप लेके निकले जिसका वायरलेस खराब है और फिर उसका टायर भी पंक्चर हो गया, और अब तुम लोग ड्यूटी खत्म होने के वक्त वापस आ रहे हो। साहब आपसे झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। चलो तुम्हारी बात मान लेते। एक काम करो, चारों एक रिपोर्ट बनाओ। बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं लिखनी है, सिर्फ इतना लिख दो कौन सा टायर पंक्चर हुआ था, आपस में कंसल्ट किए बगैर। माफ करना साहब, कल ज्यादा काम नहीं था तो हम लोग चौपाटी पे तफरी कर रहे थे। पाटिल सर, चारों की 7 दिन की तनख्वाह काट। प्रसाद आउट। बॉम्बे सीआईडी के सबसे काबिल अफसर को चूना लगाने की एक और नाकामयाब कोशिश। ये मेरे आखिरी सिग्नेचर हैं। जी कल से छुट्टी पे जा रहा हूं, फिर 15 दिन आराम। मैं कमांडर रुस्तम पावरी, इंडियन नेवी। मेरे हाथों से विक्रम मखीजा का खून हो गया है और मैं सरेंडर करना चाहता हूं। Can I have a glass of water, please? What? Thank you.
मैडम रुकिए। गेट लॉस्ट। Who the hell is in charge here? विंसेंट लोबो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। रुस्तम पावरी ने मेरे भाई को मारा है, आप उसे अभी गिरफ्तार कीजिए। कमांडर पावरी ने आधा घंटा पहले खुद ही पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गो देयर एंड इंटरोगेट हिम। मैडम मुझे क्या करना है मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो और जो मरा है वो कौन है? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इट्स बेस्ट You just do as I say. No, madam. You will do as I say. This is a crime scene and you are contaminating the evidence. So please get out right now. Chaliye, madam. डरवा भी नहीं दे दो। हाँ बोलो। एरिस साहब, मैं हूँ तुकाराम। हाँ तो क्या, बोल सू खबर। साहब वो इंपीरियल मोटर वाले विक्रम मखीजा का मर्डर हो गया है। सुबात कर रिच, किसने मारा? वही तो 50 रुपए की खबर है। उसे मारने वाला कोई नेवी का बहुत बड़ा अफसर है। क्या नाम है उसका? कमांडर रुस्तम बावरी। बावरी? ये तो क्या, तेरे को 50 नहीं 100 देगा, पर ये खबर किसी और अखबार को मत देना, समझे? आप बेफिक्र रहिए साहब। खुदाई जी तुम्हारी मेहरबानी, अब मेरे ये दिन वापस आएंगे। गोदी में आग, 300 लोग राख, 12,000 कॉपीज भी की, आसमान से सोना बरसा, 17,000 कॉपीज भी की। ट्रेन एक्सीडेंट, 400 लोग मारे गए, 13,500 कॉपीज भी की। अरे कहां मरी गए लोग? अरे प्रिंटिंग बंद करा हमनाज। लेकिन सर प्रेस रोल हो रही है, नुकसान हो जाएगा। अरे गेल सब बात वो सब छोड़नी, ऐसी खबर मिली है कि तुम लोगों का पिछले 3 महीने का पगार छूट जाएगा। जा जल्दी प्रेस रो। हाँ। कमांडर साहब, आपकी वाइफ अभी भी बाहर इंतजार कर रही है, आप उनसे मिल। प्लीज आस्क हर टू लीव, आई डोंट वांट टू मीट एनीवन। सॉरी मैडम। ये तो एक दिन होना ही था। क्या मतलब? सर ये विक्रम मखीजा कैरेक्टर बारे में तो आपको मालूम ही होगा, साला अपने आप को कामदेव की छड़ी वाला समझता था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक कमांडर की बीवी ऐसे आदमी के चक्कर में कैसे पड़ गई। चरना 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 चरना, इधर फौजी घर के बाहर, उधर आशिक घर के अंदर। जानिए जाबाज कमांडर ने किसको गोली मारी। चाराना, ये लो मैडम, ये लो आपका छुटका, ये लो साहब, ये लो, और जल्दी घर पर जाओ, आपकी बीवी अकेली है, जल्दी जाइए। चाराना, लक्ष्मण
I want him hanged. Don't worry. विक्रम हमारी सिंधी कम्युनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर था. I guarantee you Rustam's conviction. और इसका क्या करें? टैबलॉइड है, जस्ट इग्नोर इट. ये रद्दी पेपर या इसके दिवालिया मालिक को कोई भी सीरियसली नहीं लेता. He's a nobody. Yes, sir. मेरा जेजे साहब के साथ अपॉइंटमेंट है. गुड मॉर्निंग साहब. बोले रच, सु काम पड़ियो. आपने रुस्तम पावरी का तो सुना होगा. मखीजा तो हैड इट कमिंग. बस रुस्तम का सुन के मुझे अफसोस हुआ. मैं उससे एक दो बार मिला हूं. नाइस बॉय. जेजे साहब, ये केस लक्ष्मण खंगानी के पास क्यों गया है? क्यों? अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना कि मखीजा और खंगानी दोनों सिंधी हैं. Now Preeti Makhija is using her influence. Come to the point, Eraj. We must help our fellow Parsi. Apra Parsi ne madad karvi jaiye na. Don't give me this caring for fellow Parsi's bullshit. तुमने इंडिविजुअल्स को ही नहीं, अपने रिलीजन को भी नहीं छोड़ा अपने इस अखबार की कॉपीज बेचने के लिए. साफ साफ बोल. सूझो ये सब. मैं चाहता हूं कि हम आप रुस्तम के लिए एक अच्छा लॉयर रोके. क्यों? जीजे साहब, ये खानदानी बहुत चालू छे और रुस्तम को अपने बचाव के लिए एक फेयर चांस तो मिलना चाहिए ना सर. नहीं, आप बेशक मुझे गाली दे दो, पर आप ये जानते हो कि रुस्तम डिड द राइट थिंग इन द रॉन्ग वे एंड नाउ ही इज अलोन एंड देयर विल बी एन एंटायर कम्युनिटी अगेंस्ट हिम. कैसे आया? टैक्सी. भाड़ा दिया? चल शुरू कर. बहुत मेहरबानी जेजे साहब. एरच जी, मैं रोज सुबह उठकर सारे अखबार पढ़ता हूं. रुस्तम के लिए लोगों में सिंपथी कम नहीं होनी चाहिए. जूरी सबसे लास्ट में डिसाइड करती है, पहले पब्लिक डिसाइड करती है. जी सर. शिकारण विद्या में माहिर, जादू टोना करके औरतों को अपना शिकार बनाता था. आज कमांडर की कोर्ट में पेशी. मेरे पास ये एप्लीकेशन आई है इंडियन नेवी की तरफ से. एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. माय लॉर्ड, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर पुजारी, नेवल लॉ कैडर से. इंडियन नेवी की तरफ से हमने दरख्वास्त की है कि कमांडर रुस्तम पावरी को पुलिस की बजाय नेवल कस्टडी में रखा जाए. ऑन व्हाट ग्राउंड्स? माय लॉर्ड, कमांडर पावरी नौसेना के एक डेकोरेटेड ऑफिसर है.
ऐसे में उन्हें पेटी क्रिमिनल्स के साथ रखना ठीक नहीं होगा। He is a criminal. इसने मेरे भाई को मारा है। He should remain in police custody. आप कौन? मैं विक्रम मखीजा की बहन, प्रीति मखीजा। आपके भाई की मौत का मुझे अफसोस है मिस मखीजा, लेकिन अगली बार अगर आपने मेरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इंटरप्ट की तो आई विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट। सिट डाउन प्रीति, सिट डाउन। प्रोसीड। सर मैं ये कह रहा था कि जब भी इनकी मौजूदगी की जरूरत होगी हम इन्हें हाजिर कर देंगे। द नेवी इज विलिंग टू गिव दिस अंडरटेकिंग। एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? नन माय लॉर्ड। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, मैं पुलिस कस्टडी में रहना चाहता हूँ। मुझे मेरे रैंक या अचीवमेंट्स की वजह से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, आई एम कैप्टन सी पी चेरियन। माय लॉर्ड अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं एक मिनट कमांडर पावरी से बात कर सकता हूँ? रुस्तम, नेवी तुम्हारे सपोर्ट में है, तुम्हें ऑफिसर्स मेस में रखा जाएगा और वहां तुम्हारे पास सारी सुविधाएं होंगी। सर मैं पुलिस कस्टडी में ही रहना चाहूंगा। ये डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं। आई रिफ्यूज। अपने इस रवैये का अंजाम जानते हो? माय लॉर्ड, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पुलिस कस्टडी में ही रखा जाए, प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। चार्जशीट का क्या स्टेटस है ऑफिसर? सर मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आप जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करिए। यस सर। अदालत कमांडर पावरी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी देती है। कमांडर और विक्रम में क्या संबंध थे? वो दोस्त थे। इनफैक्ट रुस्तम, विक्रम, सिंथिया और मैं, हम सब एक ही सर्कल में थे। दोस्त थे। मिसेस पावरी और विक्रम मखीजा, ये दोनों नजदीक कब आए? वो पहले सब साथ मिलते थे, साहब, मेम साहब, विक्रम, प्रीति। जब साहब लंदन चले गए तो ये तीनों साथ में मिलते थे, तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो ये दोनों मिलने लगे, कहां मिलते थे ये लोग? मैडम कहां मिलते थे? हर जगह, पब्लिक में, प्राइवेट में। साहब मैडम तो घर पे भी आती थी। आपको ये बात गलत नहीं लगती थी? इसमें गलत क्या, सिंथिया कोई बच्ची नहीं थी, उसको मेरा भाई पसंद था। Haven't you heard the term consenting adults? फिर क्या हुआ? फिर क्या साहब, उन्होंने चिट्ठियां पढ़ी और गुस्से में अपनी फोटो वाली फ्रेम तोड़ दी। कितने बजे की बात है ये? सर सुबह तकरीबन 9:45। फिर आगे क्या हुआ? कमांडर साहब इट्स ऑल राइट कह के चले गए। लंदन। मिसेस पावरी, कमांडर पावरी लंदन क्यों गए थे? उन्हें वह ऑफिशियल ड्यूटी पर भेजा गया था। मिसेस पावरी, विक्रम मखीजा को आप कितना पसंद करती थी? Can I leave, please? I'm very tired. Thank you.
कमांडर को काहे को पकड़ कर रखे हुए हैं? एक और मेडल देकर छोड़ देना चाहिए। कमांडर साहब, ऑल वेल? कोई तकलीफ तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस। अगर आपका इतराज ना हो तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपकी जाती जिंदगी के बारे में। अगर आप जवाब नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। प्लीज पूछिए। विक्रम मखीजा से आप पहली बार कब मिले थे? तकरीबन 1.5 साल पहले, रियर एडमिरल प्रशांत कामत की बर्थडे पार्टी पर। मेट रुस्तम। जस्ट नाउ। दिस इज मिसेस सिंथिया पावरी। सिंथिया, दिस इज विक्रम मखीजा, अ होस्ट फॉर द इवनिंग, और ये बंगला इन्हीं का है। हेलो, प्लेजर टू मीट यू। सिर्फ इसका नहीं, मेरा भी है। हियर शी इज, माय ब्यूटीफुल सिस्टर। हाय। हाय। प्रीति मखीजा। माय वाइफ सिंथिया। हाय। हाय। महफिल में जिनके आने से रोशन हुए चराग, सजदे में उनके झुक गया, खुद देखो आपका। भाई इसका मिजाज खूबसूरत औरतों के सोबत में आते ही शायराना हो जाता है। एक्सक्यूज मी। विक्रम। यस। मिस्टर एंडरसन्स वेटिंग फॉर अस। ओह यस। एक्सक्यूज अस। बाय। सर कौन है ये? जस्ट अ लोडेड सिविलियन रुस्तम, एंड योर फ्रेंड। कई ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज का इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। डीसेंट चैप। आई वाउच फॉर। उस दिन के बाद हम ऐसी कई पार्टीज में मिले, एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। सर, डीसीपी साहब का फोन है। कमांडर, आप लंदन किस लिए गए थे? ओएसए, यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आई कैन नॉट शेयर दोज डिटेल्स विद एनीवन। आई एम सॉरी। नो, इट्स ओके। हमारे पास कोई और लीगल रिकॉर्ड्स है? नॉट एडवाइजेबल सर। पर सर, कमांडर पावरी यहां रहे या वहां, क्या फर्क पड़ता है? आई नीड दिस डॉक्यूमेंट शेरिन एट एनी कॉस्ट। अगर वो पेपर्स किसी के हाथ लग गए तो विल बी इन डीप ट्रबल। उसके घर पे भेजो किसी को। आइए। सौरभ खानवाला, सीनियर एडवोकेट। आई हैव कम हियर टू हेल्प यू माय सन। मैंने तुम्हारा केस लड़ने का फैसला कर लिया है। इतनी बड़ी गलती कैसे की सौरभ भाई? इट्स एन ओपन एंड शट केस। मेरे हाथों से विक्रम का खून हुआ, एंड आई एडमिट इट। ये बात किसी और से मत कहना, वरना भगवान तो क्या, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रुस्तम, मेरे सोर्सेस से पता चला है कि सिंथिया हादसे के पहले विक्रम के साथ थी, और मैं अपने अखबार के जरिए सब कुछ पब्लिक को बताऊंगा। डोंट वरी, बस तुम इस वकालतनामे पे मुझे बचाने के चक्कर में आप लोग मेरी पत्नी की खुलेआम बेइज्जती करने पे उतरेंगे। थैंक्स, बट नो थैंक्स। प्लीज सर। कहिए। रुस्तम अपने बचाव के लिए वकील रखने से इंकार कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारी पब्लिक में बदनामी हो।
क्या तुम रुस्तम को आजाद देखना चाहती हो? मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, लेकिन रुस्तम को आजाद देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा कुछ से ही काम चल जाएगा। सॉरी मैडम, वो आज भी आपसे मिलना नहीं चाहते। मुझे इनसे मिलना ही होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओ मैडम, इधर के कुछ कायदे कानून है, अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहते तो आप क्यों? क्या आप उन तक मेरा एक मैसेज पहुंचा सकते हैं? कमांडर साहब, ये आपकी बीवी ने भेजा है। I'm so sorry, Rusi. मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है। खुद अपनी नजरों में इतना गिर चुकी हूँ कि कभी कभी लगता है कि मौत में सब काट दे। I'm so sorry. I was so lonely and I was naive and I was stupid. इंग्लैंड से आने के बाद जब तुम्हें फिर से 6 महीने के क्रूज पे जाने के ऑर्डर्स मिले, तुम नहीं माने। ये सब तब शुरू हुआ। मैं प्रीति के साथ वक्त बिताने लगी, उसके साथ कुछ पल बिता के मैं अपना अकेलापन भूल जाती। कभी कभार विक्रम भी हमें मिल जाता था।
फिर मेरे बर्थडे पर प्रीति ने मेरे मना करने के बावजूद एक पार्टी रख दी अपने बंगलों पे। जब मैं वहां पहुंची तो आई एम सो सॉरी सिंथिया, मुझे अर्जेंट पूना जाना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, बट विक्रम विल टेक केयर ऑफ इट टुडे। आई विल सी यू व्हेन आई एम बैक। बाय बाय। टेक केयर प्रीति। Vikram, I'm really sorry, but I want to leave. I don't know anyone. Don't be silly. This is your party. But main kisi ko nahi janti. Oh, come on. The most gorgeous woman on this planet doesn't really need to care about it, right? But Achha, theek. Just give it 10 minutes. If you're still uncomfortable, chale jana. May I? Ladies and gentlemen, here she is, the birthday girl, Cynthia. Let's hear it for her. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, dear Cynthia. कोई भी मौका नहीं छोड़ता था मेरी तारीफ करने का या मेरे करीब आने का। डोंट, कैन यू क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट प्लीज? सिंथिया, ट्रस्ट मी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Vikram, I can't accept this. क्यों? पसंद नहीं आया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है। Yes. ये क्या किया? अब कहाँ? तुम्हें एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही थी, मुझे तुम्हारी दिक्कत से दिक्कत हो रही थी। अब इतनी बेकार सी चीज के लिए हम लोग अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? तुम पागल हो एकदम। बेकार नहीं थी, अब जाओ उसे ढूंढो। ढूंढ लूंगा तो पहन लोगी? हाँ पहन लूंगी। जब प्रीति कुछ हफ्तों तक वापस नहीं लौटी तो विक्रम ही मुझे डिनर्स पे और पार्टीज पे इनवाइट किया करता था। और एक दिन जब विक्रम और मैं उसके बंगलों पे अकेले थे लगता है बेमौसम बरसात होने वाली है। For you? सिंथिया! अरे रुको! You okay? Yeah. Oh. क्या हुआ? लगता है मौत आ गई है। चलो अंदर चलो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। Okay. Oh. It's okay. Relax.
प्लीज कम। कमाल है, कल तक कमांडर अपनी बीबी से मिलना नहीं चाह रहा था, अभी एक घंटे से ऊपर हो गया है। पता नहीं दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है। आखिर ऐसा लिखा क्या चिट्ठी में? यही कि चाकू की नोक पे जबरदस्ती दो आदमी घुसाए और पूरे घर की तलाशी ली। आपको कैसे मालूम? तो हमको काय कौन बताया? साला चक्कर क्या है? कुछ ले गए वो लोग? कुछ नहीं, कुछ ढूंढ रहे थे जो शायद मिला नहीं। डोंट वरी, जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो। कहां छुपाए होंगे? अखबार तो बंद नहीं हो रहा, उल्टा उसका अखबार मिलना मुश्किल हो रहा है। एंड सिंथिया का स्टेटमेंट पढ़ा? दैट वुमन लक्ष्मण, इस अखबार की वजह से पब्लिक का फोकस मेरे भाई के मर्डर से हटके रुस्तम की ईमानदारी पर जा रहा है। उसकी ये ईमानदारी ही हमारा काम आसान करेगी। प्रीति, रुस्तम कटघरे में खड़े होकर यह कबूल करेगा कि खून उसने किया है। मैटर क्लोज्ड। रिलैक्स प्रीति, टेक अ सीट। साहब मैं क्या कह रहा था जी, कमांडर पावरी,
आप कोई वकील रखना नहीं चाहते? यस योर ऑनर। आप पर सेक्शन 302 के तहत विक्रम मखीजा की हत्या का आरोप है, क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? जी नहीं माय लॉर्ड, आई प्लीड नॉट गिल्टी। ट्रायल 25 मई से शुरू होगी, आप अपना केस खुद लड़ेंगे? जी हां माय लॉर्ड। रिमेंबर दिस कमांडर पावरी, अगर इस अदालत में आप दोषी पाए गए तो वकील ना होने की वजह से आप अपील नहीं कर पाएंगे। माय लॉर्ड, मैं आज यहां लिखित अंडरटेकिंग देता हूं कि अगर इस अदालत ने मुझे दोषी पाया तो मैं ऊपर की अदालत में अपील ही नहीं करूंगा। कमांडर साहब, अकेले अकेले तब तो हमेशा आप ही जीतेंगे। आइए पहली चाल आप चलिए। पहली चाल तो आप बहुत पहले ही चल चुके हैं। खैर, क्या आपके और विक्रम के बीच बिजनेस रिलेशन थे? फौजी हूं, बिजनेसमैन नहीं। जब विक्रम ने मिसेस पावरी को इतनी महंगी गाड़ी तोहफे में दी तो आपने इतराज क्यों नहीं किया? सोचा था पर उसे टोकना ठीक नहीं समझा, और दूसरी तरफ दोस्ती ने शक करने नहीं दिया। ट्रस्ट कैन बी अ वेरी वेरी फनी थिंग। हो सकता है उस वक्त आपके एतराज ना करने की वजह से विक्रम की हिम्मत बढ़ी हो। बिल्कुल हो सकता है। कमांडर साहब, आपकी शादी के बाद मिसेस पावरी के अलावा आपके किसी और औरत से संबंध रहे हैं क्या? जी नहीं। कमांडर साहब, आपके सभी पुर्जे तो सलामत है ना? लोबो साहब, अगर असली मर्दानगी इसमें है कि कोई अपनी बीवी के होते दूसरी औरत के साथ ऐश करे तो आपका शक वाजिब है। चेक। चेकमेट। मान गए कमांडर, तुम्हारे फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित हूं। क्यों? देखो, रुस्तम को नेवी से निकालने का फैसला हो चुका है। शायद वो तुम्हें डिवोर्स भी दे देगा, और अब बेचारा विक्रम भी नहीं रहा। Sad. You know, it's very difficult for a single woman to survive without any support. Please. मेरे पास एक रास्ता है जिसे तुम्हें जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं होगी। सुनना चाहोगी? जरूर। रुस्तम के पास हमारे कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए।
but he's acting kind of strange these days. Look, Cynthia, we're willing to give you 10 lakh of rupees for this. 10 lakhs? Mm-hmm. 10 lakhs. एडमिरल कामत, माफ कीजिएगा, मुझे अब आप लोगों के फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता हो रही है। रुस्तम ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था। जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। जल्दी एडमिरल कामत तुमसे मिलेंगे और तुमसे कहेंगे कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और उसे हासिल करने के लिए बहुत सारे पैसे भी ऑफर करेंगे। और जब ऐसा कहेंगे तो तुम उन्हें ये लिफाफा दे देना। इज ही मैड? हम 5 करोड़ कहां से लाएंगे? विक्रम मखीजा का हिस्सा 5 करोड़ था, वो अब इस स्विस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। और ऐसा मैंने नहीं किया तो? तुरुसी ने आपको बताने को कहा है कि ऐसा ना करने का नतीजा आप बेहतर जानते हो। तो अपनी देशभक्ति की आड़ में ही इज जस्ट अ ब्लडी ब्लैकमेलिंग ऑपर्चुनिस्ट, राइट? लेकिन वो इन पैसों का करेगा क्या? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, कम से कम 14 साल तक वो उगता सूरज नहीं देखने वाला है। सो यू टेल मी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस ये पैसे ट्रांसफर करवा दीजिए। और हाँ, रूसी इतना भी बेवकूफ नहीं कि ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स घर के कबर्ड में या कद्दों के अंदर छुपा के रखे। इसीलिए उसने मुझे ये भी बताने के लिए कहा है कि अगली बार अगर आपने अपने आदमियों को हमारे घर भेजा तो ये रकम दुगनी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द इवनिंग। कुछ तो है जो पकड़ में नहीं आ रहा। ये बटुए में क्या है, लिखा नहीं? ये इन्वेंटरी तो पाटिल साहब ने ली थी ना। क्या जी स्टेटमेंट की फाइल देख के बता, 27 अप्रैल को कमांडर कितने बजे कहां था? 8:15 को कमांडर अपने घर से चला, 8:45 पे जहाज पे था, 10 बजे इंपीरियल मोटर और 10:20 पे विक्रम के घर। जहाज से इंपीरियल मोटर जाने में कितना टाइम लगता है? बाजू में तो है, गाड़ी में 10 मिनट। तो फिर कमांडर 9:45 से 10 बजे के बीच कहां था? मैडम जी, आई नीड सम इंफॉर्मेशन। सर, मैं तो पेपर में फोटो देखते ही पहचान गई थी, उस नेवी ऑफिसर ने दिल्ली एक लाइटनिंग ट्रंक कॉल किया था। एक्सक्यूज मी जी, प्लीज बूथ नंबर 7 पर चले जाइए। थैंक यू। कभी कभी चेंज पूरा नहीं होता है तो हम पैसों के बदले में स्टैम्प्स दे देते हैं, और ये स्टैम्प्स चूंकि पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुए थे इसलिए मुझे क्लियरली याद है। मैडम जरा वो दिल्ली वाला फोन नंबर बोलिए। जी सर,
33560. Thank you, madam. Okay, sir. Thank you. हाँ बोलो कामत, क्या अर्जेंसी? We have a problem. आज आप सब पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे आप सबको निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभाना है. आरोपी कमांडर रुस्तम पावरी पर विक्रम मखीजा की हत्या का आरोप है. दोनों पक्षों के वकील आपके सामने अपने सबूत, गवाह और दलीलें रखेंगे और आपको उसे सुनने के बाद, समझने के बाद अपना फैसला सुनाना है. क्या एरज बिलिमोरिया अदालत में हाजिर हैं? जी, यस योर ऑनर. आपने अपने इस अखबार में लिखा है, क्या फौजी को न्याय मिलेगा? क्या आप इस बात से इनकार करते हो? नहीं जज साहब. आप जानते हैं कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह सवाल पूछकर आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था योर ऑनर. लाइन के एंड पर क्वेश्चन मार्क डाल देने से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के साथ साथ एलिगेशन भी बन जाता है. आपके इस सवाल ने अदालत की काबिलियत पर शक किया और इसीलिए अदालत की कार्रवाई खत्म होने तक आपको जेल में रखा जाएगा. ले जाओ इन्हें. अब प्रोसिक्यूशन अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देगा. हमारे संविधान में कानून सबके लिए एक है, चाहे वो कोई रईस ज्यादा हो, चाहे वो एक मामूली आदमी हो या कोई फौजी. कमांडर रुस्तम पावरी आज हमारे सामने यूनिफॉर्म में बैठे हैं. जब खून करके उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था तब भी ये यूनिफॉर्म में थे. यूनिफॉर्म का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो. लेकिन इस वर्दी के पीछे जो इंसान है उसकी करतूत को मद्देनजर रखते हुए आपको फैसला सुनाना है. रुस्तम पावरी ने 27 अप्रैल की सुबह विक्रम मखीजा की 3 गोलियां मारकर हत्या की. प्रोसिक्यूशन इस बात को बिना किसी शक के साबित करेगा. थैंक यू. दैट्स ऑल योर ऑनर. डिफेंस, योर ओपनिंग. डियर ज्यूरी, मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है, मेरी बाकी अच्छी बुरी आदतों में से एक, जैसे कि सांस लेना, अपने देश की रक्षा करना, बेझिझक निस्वार्थ अपना फर्ज निभाना. मैंने कोई खून नहीं किया, ये बात आपके सामने मैं नहीं, खुद प्रोसिक्यूशन साबित करेगा. थैंक यू मालू. हमारे पहले गवाह हैं डॉक्टर आशर, जो सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के इंचार्ज हैं. मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. डॉक्टर आशर, क्या आप जूरी मेंबर्स को बताएंगे कि विक्रम मखीजा की मौत किस कारण हुई थी? उनके दिल में 3 गोलियां लगने के कारण. थैंक यू डॉक्टर आशर. जूरी मेंबर नोट करें कि विक्रम मखीजा की मौत दिल में 3 गोलियां लगने के कारण हुई थी. नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर. कोर्ट प्रोसिक्यूशन से रिक्वेस्ट करती है, क्या हर बात रिपीट ना करें, अदालत दूसरी बार भी उतना ही सुनती है जितना की पहली बार. सॉरी योर ऑनर. डिफेंस, योर विटनेस प्लीज. नो क्रॉस एग्जामिनेशन योर ऑनर. मिस रोजी, क्या आप कमांडर पावरी को जानती हैं? हाँ, वो हमारे बॉस के दोस्त थे और कई बार हमारे ऑफिस आए हैं. आई सी. क्या 27 अप्रैल को वो इंपीरियल मोटर्स आए थे? जी हाँ, वो करीब 9:45 बजे आए थे. क्या आपको याद है
जब वो आपके ऑफिस आए तब उनके चेहरे पर क्या हाव भाव थे? अच्छी तरह याद है सर, वो बहुत गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके सर पे खून सवार था। फिर उन्होंने आके क्या किया? उन्होंने पूछा क्या विक्रम सर ऑफिस में है। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा अब तक तो आए नहीं है। हा? फिर मैंने पूछा क्या आपको कोई अर्जेंट काम है। उनका जवाब? उन्होंने कहा नहीं कोई अर्जेंट काम नहीं है, मुझे सिर्फ उसे चांद से मारना है। फिर उन्होंने क्या किया? वो गुस्से में वहां से चले गए। थैंक यू कमांडर, योर विटनेस प्लीज। मिस रोजी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो भी अब तक कहा है वो झूठ है, ऐसे आप जज साहब और जूरी को बता दें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दिस इज मिसलीडिंग, कंफ्यूजिंग, वेग, इट्स अनइंटेलिजिबल। कमांडर पावरी, आप विटनेस से ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, या आपको प्रूव करना है कि उन्होंने गलत कहा। माय लॉर्ड, एक लेडी को भरी अदालत में पब्लिक के सामने गलत साबित करके मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। कमांडर पावरी, कुछ वक्त के लिए आप अपनी नेवी की तहजीब और प्रोटोकॉल भूल जाइए, बस यूं समझिए कि आप एक बेशरम वकील हैं जो अपने विटनेस से कुछ भी पूछ सकता है। जी मिस रोजी, क्या यह सच नहीं कि जब मैं उस दिन आपके ऑफिस में आया था तो आपने मुझे रिसेप्शन पर बैठने को कहा और चाय और कॉफी भी ऑफर की? हाँ ये सच है। तो क्या मिस रोजी, मैं ये समझूं कि आप उस हर शख्स को चाय और कॉफी ऑफर करती हैं जो गुस्से में रहता है? जी नहीं, लेकिन जब आपने कहा कि आप विक्रम सर को जान से मारने वाले हैं तो मैंने सोचा अगर आप चाय या कॉफी पियेंगे तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मिस रोजी, आपने उस दिन एक ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना था एंड यू वर लुकिंग एट्रोशियस, वेरी बैड। नो, आपने उस दिन तो वेरी गॉर्जियस कहा था। मैं गुस्से में था, विक्रम को मारना भी चाह रहा था और आपको आपकी खूबसूरती पर कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था। इजंट इट स्ट्रेंज मिस रोजी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। व्हाट फॉर? लीडिंग क्वेश्चन योर ऑनर। ओवररूल्ड। फिर जब मैं वहां से गुस्से से निकला उसके बाद आपने क्या किया? मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। क्या तुम्हें पुलिस को खबर करने का ख्याल नहीं है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, कॉलिंग फॉर कंक्लूजन। ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। चलिए पुलिस को छोड़िए। क्या मेरे जाने के तुरंत बाद आपको ये नहीं सूझा कि आप अपने बॉस को फोन करके उन्हें वॉर्न करने की कोशिश करें कि मैं गुस्से से निकला उन्हें मारने के लिए? मैं बहुत डर गई थी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप बिजी हो गई थी। I'm very sorry, Miss Rosie. मुझे आपको भरी अदालत में झूठा साबित करना पड़ा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, कमांडर ये कहकर जूरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस रोजी ने झूठ बोला। लेकिन इनकी बातों से तो यही साबित होता है और मैं इसीलिए इनसे माफी भी मांग रहा हूं। योर ऑनर प्लीज, द कमांडर शुड बी गिवन। मिस्टर खंगानी, आई थिंक आई नो व्हाट आई शुड डू। आई एम सॉरी योर ऑनर। कमांडर पावरी, आप एक प्रोफेशनल वकील नहीं है इसलिए आपकी कुछ गलतियां मैं ओवरलुक कर रहा हूं, लेकिन आई एम वार्निंग यू, प्लीज डोंट टेक मी और दिस कोर्ट फॉर ग्रांटेड। अगली बार अगर आपने मेरी अदालत में ऐसा कोई स्टंट किया ना तो आई विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट। आई एम सॉरी योन। जूरी कमांडर की आखिरी लाइन डिसरिगार्ड करेगी। हमारे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर पाटिल जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। लेकिन रिकॉर्ड में लिखा है कि इस केस के आईओ सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं। वेर इज ही? सर वो अर्जेंट दिल्ली गए हुए हैं। हाँ जी।
अपॉइंटमेंट मिला? कल दोपहर। ये तेरा प्लान मेरी समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स। अरे जानता है ना कितना बड़ा आदमी है, कितना कनेक्टेड है। कुछ लोचा हुआ तो अपन दोनों का ट्रांसफर अंडमान निकोबार हो जाएगा। नहीं होगा, तू अपना मुंह बंद रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब मैं विटनेस स्टैंड में इस घटना के चश्मदीद गवाह भाणा भाई वारली को बुलाना चाहता हूं। भाणा भाई, 27 अप्रैल की सुबह सुबह क्या हुआ था? सुबह तकरीबन 10 बजे घर की घंटी बजी। विक्रम है? फिर आगे क्या हुआ? कुछ देर के बाद जब मैं बाबा के कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कमांडर साहब ने बंदूक तान रखी थी और मेरे सामने ही बाबा को 3 गोली मार दी। आपके सामने? जी हाँ साहब, मेरे सामने ही बाबा को 3 गोली मार दी। फिर आपने क्या किया? मैंने इनसे पूछा ये क्या कर दिया आपने, और उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा उसके मेरी बीवी के साथ गलत संबंध थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या आप फिर से दोहराएंगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसके मेरी बीवी के साथ गलत संबंध थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मार दिया? I have no further questions, Your Honor. Rustam Pavri, your witness. बाणा भाई, आप यकीन के साथ कह सकते हो कि आपने मुझे देखा था गोली चलाते हुए? जी साहब, क्यों आपको याद नहीं? आपने मेरे सामने बाबा पर 3 गोली चलाई थी। बाणा भाई, मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि आपने मुझे देखा यूं बंदूक तान कर विक्रम के सीने पे गोली चलाते हुए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कमांडर विटनेस को खामखा डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर पावरी, मैं समझता हूं कि विटनेस अच्छी तरह से जानता है कि अदालत में झूठी गवाही देने का क्या नतीजा हो सकता है। आई एम सॉरी ऑनर। बाणा भाई, जब आप कमरे में आए विक्रम के, तो उस कमरे का हाल क्या था? कमरा तो पूरा तहस नहस था। आपने नाश्ता किया? Irrelevant question, Your Honor. It is relevant, Your Honor. Just give me 1 minute and I will prove it to you. Please. Thank you, Your Honor. आपने नाश्ता किया? हाँ जी, किया। वैसे आप नाश्ते में रोज क्या खाते हैं? भाकरी, वड़ा पाव या पोहे। आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं? जी। उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें से ही कुछ होगा। आप उस कमरे में आए क्यों थे? वो बाबा से पूछने आया था कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे। योना, इन तस्वीरों के मुताबिक किचन में ऑलरेडी सॉसेज, ऑमलेट और टोस्ट तैयार थे, जो विक्रम मखीजा का नाश्ता था, और इनकी गवाही के मुताबिक घर में कोई नहीं था सिवा इन दोनों के। अब भाणा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नॉनवेज शुरू करने वाले थे। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। ये गंगानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। मैं किचन में था जब मैंने गोली की आवाज सुनी, और जैसे मैं भाग के ऊपर आया तो देखा तो बाबा नीचू पड़ेला था और कमांडर साहब हाथ में गन लेके खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दो। No further questions, Your Honor.
आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। मिस्टर खंगानी, आप जरा मेरे चेंबर में आएंगे? चला। अरे पेस्ट कंट्रोल कराओ नी, कितना मच्छर है। ओ बाबा, ये हवालात है, हॉटेल नहीं। कैसा राज? जबरदस्त। कमांडर तो खंगानी साहब पर भारी पड़ गया। ये किसी ने मुझे ना भीड़ में थमा दिया, अर्जेंट कॉल करने के लिए कहा आपको, खास इंफॉर्मेशन है बोला। क्या एरएच बिलिमोरिया अदालत में मौजूद हैं? यस योर ऑनर। मैंने कल आपको वार्न किया था, फिर भी आपने इस केस की विटनेस मिस रोजी के गर्भपात के बारे में लिखा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी छापी। सर, मेरा फर्ज है सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना। फर्ज? जी। आई सी। और आपने अपने अखबार की कॉपीज जूरी मेंबर्स को फ्री में बांटी? मुझे लगा बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो कुछ पढ़ लें। साइलेंस, ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर बिलिमोरिया। जी सर। मैं आज आपको 100 रुपए का जुर्माना और 1 दिन की जेल की सजा सुनाता हूँ। चला, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चला। साहब नहीं। साइलेंस। जूरी मेंबर्स, आप उस अखबार की सारी बातों को नजरअंदाज करेंगे। योर ऑनर, अदालत की अगली गवाह हैं जमुना बाई। उधर पता है मेरे को। जमुना बाई, क्या सच है कि आप पिछले 3 साल से कमांडर पावरी के घर में काम करती हैं और वहां रहती भी हैं? जी हाँ। क्या बताएंगी 27 अप्रैल को घर में क्या हुआ था? मेरे घर में क्या हुआ मुझे कैसे मालूम, तभी मैं बंबई में थी ना। साइलेंस। मेरा मतलब है कमांडर पावरी के घर में। ओ, इस घर में तो ऐसा बोलो ना, सुबह सुबह मैडम आई और साहब से बात की और साहब चले गए। सुबह सुबह मैडम आई? आई मतलब 2 दिन से घर पे नहीं थी ना वो। और आपके कमांडर साहब वो घर में ही थे? वो अगले दिन दरिया से आए थे। अच्छा, तो उन्होंने पूछा नहीं कि मेम साहब किसके साथ गई हैं? वो कभी ऐसा पूछते नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर वो अंदर गए, कबाट खोला, चिट्ठियां निकाली, कुछ पढ़ी और बाहर आके विस्की पिया। आपको कैसे मालूम कि वो विस्की थी? साहब, कभी कभी मैं भी उसमें से पी लेती हूँ। साइलेंस। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने गुस्से में आके मेम साहब का फोटो था वो फ्रेम तोड़ दी। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए कि फ्रेम तोड़ा। अब सॉरी योर ऑनर। जमुना भाई, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आप क्या करते अगर आपको पता चल गया कि आपकी बीवी 2 रातों से किसी गैर मर्द के साथ घर से बाहर है? बोलो। साइलेंस। ऑर्डर, ऑर्डर।
जमना भाई, ये मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है, तुम्हारे साहब के खिलाफ है। क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था? विक्रम मखीजा, इतना घुमा फिरा के पूछने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा पूछते थे ना। देखो साहब, मैं तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि कोई फौजी आदमी अपने मुल्क की सेवा में घर से बाहर रहे तभी उसकी बीवी को कोई अपने घर में लेके जाए, वो आदमी को जीने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे रुस्तम साहब ने उसको गोली मारी होगी ना, तो एकदम सही सही किया साहब ने। साइलेंस ऑर्डर। जमना भाई। हाँ सब। अदालत आपके विचार जानना नहीं चाहती है, जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। ठीक है साहब, लेकिन आप ही मुझे बताओ ना, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बीवी इस वकील के साथ सो रही है तो आप क्या करोगे? चला था। अरे बस जो तुम मोड़ो। जमना भाई, तुम भी कैसी हो? ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, इससे मच्छर नहीं काटेंगे। लगाओ 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 पूरा। क्या विक्रम और सिंथिया के संबंध के बारे में जानती थी? जी हाँ, वो विक्रम और उसकी लाइफस्टाइल से काफी इंप्रेस थी। और विक्रम का रवैया क्या था? विक्रम एक मर्द था, और जब कोई भी औरत बार बार किसी मर्द को इशारा दे तो जाहिर है। आपका कहना है कि सिंथिया ने संबंध बनाने की पहल की थी? ऑफ कोर्स। आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। कमांडर पावरी, योर विटनेस प्लीज। माय लॉर्ड, मैं मिस प्रीति को बाद में क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगा। थैंक यू योर ऑनर। हमारी अगली गवाह है मिसेस सिंथिया पावरी। मिसेस पावरी, आपके विक्रम मखीजा के साथ नाजायज संबंध थे या नहीं? कमांडर पावरी, योर विटनेस प्लीज। थोड़ी देर पहले प्रीति ने कहा कि आपने विक्रम के साथ संबंध बनाने की पहल की, क्या ये बात सच है? पहल विक्रम ने की थी, और संजोग ऐसे थे कि ऐसा हो गया। वो कौन से संजोग थे जिनमें आपने विक्रम से संबंध बनाए? क्या इसलिए कि मैं वापस आने वाला था? मैं तुमसे ये बात छिपाने वाली नहीं थी। मुझे पूरा एहसास था कि मैंने जो किया वो गलत था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड।
मैं सोच ही रहा था कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। सस्टेन्ड। सत्ताईस अप्रैल को जब आप घर लौटी तो आपके सर पे चोट लगी थी, क्या अदालत को बताएंगे क्या हुआ था? मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और अच्छा होगा कि तुम भी आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट ना करो। ठीक है। तो रुस्तम को हमारे बारे में तुम बताओगी या मैं बताऊं? ये मजाक नहीं है मेरी जान, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं इसलिए रिश्ता बनाया? गलत, मैं तुम्हारे उस फौजी से बदला लेना चाहता था। एक बार उसने मुझे अपनी यूनिफॉर्म का पावर दिखाया था, और अब मैंने अपने पैसे का पावर दिखाया, और तुम्हें यहां तक ले आया। दिस इज रियल पावर स्वीट हार्ट। इस गलत फहमी में मत रहना, लाख कोशिश कर लो चाहे जितना पैसे कमा लो, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मेरे रुस्तम के एक बाल बराबर भी नहीं बन पाएगा। यू लाजी पीस ऑफ शिट। आपके साथ हुआ क्या उसके लिए आप विक्रम को कसूरवार ठहराती हैं? नहीं, सिर्फ अपने आप को। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। जो हुआ क्या उसके लिए आपको पछतावा है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, दिस इज इररिलेवेंट टू द केस। ओवररूल्ड। My Lord, मैं अब मिस प्रीति मखीजा का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहूंगा। मिस प्रीति, क्या विक्रम अपने साथ हमेशा पिस्तौल कैरी करता था? उसके पास लाइसेंस पिस्टल तो थी, बट वो उसे कहां कहां कैरी करता था वो मुझे नहीं मालूम। आप इस बात से तो वाकिफ होंगी कि गुस्सा उसे बहुत जल्दी आता था, वो छोटी छोटी बात पे पिस्तौल निकाल लेता था। Am I right? Not true at all. चलिए छोड़िए, ये बताइए आपके भाई को शायरी का शौक था? जी हाँ था। गुड। जॉना, ये डायरी उसके बेडरूम से मिली है, क्या आप इसमें देख के ये बता सकती हैं कि ये हैंडराइटिंग आपके भाई की है या नहीं? प्लीज।
अब मिस प्रीति, क्या आप जोर से ये चिट्ठी पढ़ेंगी? प्लीज। मेरी प्यारी सिंथिया, मिस प्रीति जोर से सबको सुनाई देना चाहिए। मैं तुम्हें लंदन में पली बड़ी मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की समझता था। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करना चाहिए। रुस्तम महीने दरिया में निकालता है, फॉरेन पोर्ट्स जाता है, वो वहां मजे कर लेता है, ये बात मुझे मालूम है। That's okay. अब ये वाली पढ़िएगा और यहां से पढ़िए। तुम खामखा डर रही हो। Go ahead. एक औरत भी एक मर्द की तरह बिना गिल्टी फील किए एक से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध रख सकती है। That should be okay. Thank you. फिर से एक बार सोच ले। आइए। प्लीज कम इन। रमेश शिर्के, ओएसटी होम डिपार्टमेंट। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? बख्शी साहब, ये सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं, बॉम्बे पुलिस। ही इज इन्वेस्टिगेटिंग विक्रम मखीजा'स मर्डर केस और उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। I see. Actually, you won't believe this, but I have been half expecting you, and I'm glad you're here. Sir, pehli baar sun raha hu police ko dekh ke koi khush hua hai. Kya piyenge aap? Chai ya coffee? Sir, main. वैसे यहाँ की चाय बहुत अच्छी है. दो चाय भेजिए. जी सर. आइए मिस्टर लोगो. आइए, please. Yes, sir. जिस दिन उसने विक्रम मखीजा को मारा उस दिन सुबह उसने मुझे यहां फोन किया था इन माय ऑफिस और ये सब बताया। लेकिन वो एक गलती कर बैठा। उसे ये नहीं पता था कि ऑल द कॉल्स टू डिफेंस मिनिस्ट्री आर रिकॉर्डेड एंड दिस विल विदाउट एनी डाउट प्रूव रुस्तम्स गिल्ट। सर, मुझे इसकी एक कॉपी मिल सकती है? हाँ हाँ, ये आप ही के लिए है। थैंक यू सर। बट सर, आपने खुद ही एविडेंस क्यों नहीं दिया? सर, रुस्तम इज अ डेकोरेटेड ऑफिसर एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू अर्न मिस्टर लोबो। And now you have something that you've earned rightfully. Thank you, sir. रुस्तम के बताए हुए अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर हो गए हैं। मैडम, एक 10 बजे की बॉम्बे की टिकट कीजिए। सॉरी सर, 10 बजे की फ्लाइट पूरी फुल है। मैं आपको 2 बजे की फ्लाइट में अकोमोडेट कर सकती हूँ। ओके। चला। प्रोसिक्यूशन कमांडर रुस्तम पावरी से कुछ सवाल करना चाहती है माय लॉर्ड। कमांडर साहब, जरा बताइए, जब आपको पता चला अपनी बीवी के नाजायज संबंधों के बारे में, तब सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? यही कि विक्रम का खून कर दो। <laughs>
क्या ये सोच गलत नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? आपका और दूसरों का नजरिया अलग है। मैं भारतीय नौसेना का एक ऑफिसर हूं, जहां आज भी अगर एक मिनट लेट हो जाते हैं तो वो एक सीरियस ऑफेंस कहलाया जाता है। ऐसे में अपने ही दोस्त की बीवी के साथ अफेयर करना अनपार्डनेबल ऑफेंस है, और उससे भी बड़ा अपराध है किसी औरत पे हाथ उठाना, जो दोनों गलतियां विक्रम ने की। इसलिए विक्रम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। साइलेंस, 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 साइलेंस। और इसीलिए विक्रम मखीजा को आपने जान से मार दिया? जी नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। तो आपका इरादा क्या था? मैं सिर्फ उसे ये जानना चाहता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये जानने के लिए आपने शिप की आर्मरी से बंदूक विड्रॉ की? योना, यही साबित करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट बिस्ट को बुलाना चाहूंगा। आप 27 अप्रैल को INS मैसूर के ऑफिसर ऑफ द डे थे, और मैंने आपकी हाजिरी में मैसूर की आर्मरी से एक पिस्तौल निकाली। Am I right? Yes, sir. लेफ्टिनेंट बिस्ट, उस दिन जब मैंने आर्मरी से पिस्तौल विड्रॉ की तो क्या आपने मुझे रजिस्टर साइन करने को कहा? जी नहीं सर, आपने खुद रजिस्टर मंगवाया। और अगर मैं चाहता तो क्या आपको या किसी को पता चले बगैर आर्मरी से ये पिस्तौल विड्रॉ कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे सर। इनफैक्ट एज द एक्सो ऑफ द शिप, आपके केबिन में चाबियों का एक सेट होता है। अगर आप चाहते तो पिस्टल विड्रॉ करके उसका इस्तेमाल करके उसे वापस भी रख देते और किसी को पता भी नहीं चलता। साइलेंस, 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 साइलेंस। बंदूक सिर्फ मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ली थी, क्योंकि विक्रम बहुत ही जल्द अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता था। यह तो नई बात सुनने में आ रही है। जो आपने कहा उसका कोई सबूत है आपके पास? यही प्रूव करने के लिए मैं अब मिस्टर रंजीत दास को यहां बुलाना चाहूंगा। मिस्टर दास, आप क्या काम करते हैं? जी, अभी मैं विलिंगडन जिम खाना में सीनियर वेटर हूँ। उससे पहले मैं CCA क्लब में बेयरर था। क्या आप विक्रम मखीजा को जानते थे? जी, अच्छी तरह से। वो हमारे क्लब के रेगुलर मेंबर थे। पिछले साल जनवरी में आपके साथ एक हादसा हुआ था, क्या आप अदालत को बताएंगे कि वो हादसा क्या था? उस दिन विक्रम मखीजा, आप, आपकी पत्नी और प्रीति मैडम चारों कार्ड रूम में ब्रिज खेल रहे थे। तो लंदन की सारी तैयारी हो गई? हाँ। वैसे मैं भी अगले महीने वहीं आ रहा हूं। तुम विकास के गेस्ट हाउस में रुकने वाले हो ना? तुम्हें कैसे मानू? सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। यू रास्कल। सर गलती हो गई है, गाली तो मत दीजिए। यू ब्लडी रास्कल। हॉट आर यू? वेट। बस कंट्रोल, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम जाओ। नो, स्टॉप इट। जस्ट लीव मी। आई वांट टू किल दिस मैन। स्टॉप इट। यानी कि आपके कहने के मुताबिक गलती से आपके हाथ से जूस विक्रम मखीजा के जूतों पर गिर गया और उन्होंने अपनी बंदूक निकाल के तान दी? जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मिस्टर दास से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी जो कुछ भी कहा उसका कमांडर साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनके सिवाय कोई भी और गवाह है जो इस बात से सहमत हो कि जैसा आपने कहा वैसे ही हुआ था? सी, मुझे इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना योर ऑनर, आप जा सकते हैं। एक मिनट मिस्टर दास, एक मिनट। मिस्टर दास, क्या आप बताएंगे कि ऐसे बड़े बड़े क्लब्स में जब ऐसा कोई हादसा होता है तो क्लब वाले उसे कैसे टैकल करते हैं? जी, उसके लिए इंक्वायरी बैठती है और क्लब की कमिटी उस केस की बारीकी से जांच करती है। माय लॉर्ड, उस हादसे के बाद भी कमेटी बैठी थी। ये क्लब्स 50 साल पुराने हैं और अपनी परंपराओं को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उन्होंने इंक्वायरी कंप्लीट होने तक विक्रम मखीजा की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था और उसके माफीनामे और इन्फ्लुएंस के बाद ही क्लब ने उसकी मेंबरशिप को रीइंस्टेट किया।
ये क्लब की मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइल्स है और ये है वो माफीनामे की कॉपी जिसमें विक्रम मखीजा ने साफ साफ कहा है कि वो गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाल बैठे और उन्होंने क्लब मैनेजमेंट के मेंबर्स को आश्वासन भी दिया कि वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। इस माफीनामे और मिस्टर दास के कहने से ये बात साबित हो जाती है कि विक्रम छोटी छोटी बात पे अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी बंदूक निकाल लेता था, क्योंकि मैंने उसका ये बिहेवियर पहले भी देखा था, इसलिए मैंने भी अपनी पिस्तौल साथ ले जाना ठीक समझा। और उस रोज जब मैं विक्रम से बात करने गया, विक्रम क्या बात है कमांडर साहब, आज सुबह सुबह ही? क्या तुम सिंथिया से शादी करोगे? What? क्या मैं हर उस औरत से शादी करूंगा जिसके साथ मैं सोता हूं? बिहेव विक्रम, ये मत भूल रुस्तम कि तू मेरे घर में है और अगर मैं चाहूं तो क्या कर लोगे? Just wait, I'll show you. Stop it, Victor. Stop it. से गोली चली है, लेकिन माय लॉर्ड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। कमांडर साहब, क्या सेल्फ डिफेंस में 3 गोलियां चलाना जरूरी था? यह समझाने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना होगा। मे आई माय लॉर्ड? थैंक यू। खंगारी साहब, ये इंडियन नेवी बेसिक ट्रेनिंग मैनुअल है। मैम, इसका पेज नंबर 24 खोलेंगी आप? क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस। अब आप उसमें लिखे जो मेथड है वो पढ़ेंगी। नेवी कहती है पहले मारो, जोर से मारो और मारते रहो। अगर किसी ने आप पर बंदूक तान कर रखी है तो आप बिना संकोच गोली चला सकते हैं और गोलियां आप 3-3 के बर्स्ट में चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। माय लॉर्ड, जो मुझसे हुआ वो मेरी ट्रेनिंग की वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन था। गिव मी द पेपर। कमांडर साहब, आपकी मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक आप में और विक्रम मखीजा में झड़प हुई। जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी झड़प के बावजूद विक्रम मखीजा के बदन से टॉवल गिरा ही नहीं? और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सफेद वर्दी पर एक दाग भी नहीं लगा? खंगानी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं विक्रम के कमरे में गया, अपने हाथों से उसके कमरे को तहस नहस किया, फिर अपनी पिस्तौल निकालकर मैंने विक्रम पे गोली चलाई, फिर विक्रम की रिवॉल्वर लेकर मैंने उसे कॉक करके उसके हाथ में रख दी? और ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरी वर्दी पर दाग नहीं था और विक्रम का टॉवल उतरा नहीं था? कमॉन खंगानी साहब, हम थोड़े ही मिट्टी में कुश्ती लड़ रहे थे। मेरी तरफ से और कोई विटनेस नहीं है योर ऑनर।
I now rest my case. Thank you. जूरी मेंबर्स, आपने अभी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड। मैं सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो सर। मेरे पास इस केस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ शेयर करना चाहूंगा विद योर परमिशन सर। थैंक यू। Your Honor, इंस्पेक्टर लोबो ने बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन करके ये एविडेंस हासिल किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे शामिल किया जाए। क्या एविडेंस है? जिस दिन रुस्तम ने विक्रम मखीजा का खून किया उस दिन उन्होंने जीपीओ से दिल्ली एक ट्रंक कॉल किया था जिसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया और सबसे छुपा के रखा, क्योंकि वो कॉल डिफेंस सेक्रेटरी को किया गया था। वो कॉल रिकॉर्ड हुआ था और वो रिकॉर्डिंग हम अदालत में पेश करना चाहते हैं। कमांडर पावरी। यस योर ऑनर। एनी ऑब्जेक्शन? नॉट एट ऑल योर ऑनर। मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया। मैं विक्रम से कहता हूँ कि तुमसे मिले और ये मैटर सॉर्ट आउट करें। मिलने तो मैं उसे जा रहा हूँ पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साइलेंस 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 साइलेंस। कमांडर पावरी, क्या आप मानते हैं कि यह आवाज आपकी है? जी हां। अब और क्या साबित करना बाकी रह गया योर ऑनर? कमांडर पावरी घर गए, उन्हें पता चला कि उनकी बीवी का अफेयर विक्रम मखीजा के साथ था, फिर वो अपनी शिप गए, आर्मरी से पिस्तौल निकाली और जीपीओ से डिफेंस सेक्रेटरी केजी बख्शी को फोन पर कहा कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो विक्रम मखीजा के घर गए और उन्हें बेरहमी से 3 गोलियां मार दी। यह कोई हीट ऑफ द मोमेंट का हादसा नहीं है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्री डिटरमिंड मर्डर। कमांडर पावरी, इस एविडेंस पर आपको कुछ कमेंट करना है? माय लॉर्ड, मैं खंगानी साहब से यह पूछना चाहूंगा कि किस डिक्शनरी में यह लिखा है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं का मतलब होता है मैं उसे मार दूंगा। कमांडर पावरी, इसे शब्दों का खेल बनाकर एक्सक्यूज देने की कोशिश मत कीजिए। जिस संदर्भ में आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और उसके बाद जो घटना हुई है उससे यह साबित होता है कि यहां मैं उसे छोड़ूंगा नहीं का क्या मतलब निकलता है। कमॉन कमांडर पावरी, आपने प्लान करके ठंडे कलेजे से विक्रम मखीजा का खून किया है। एडमिट इट। आई फाइनली रेस्ट माय केस योर ऑनर। कमांडर पावरी, आपको कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है? नहीं ऑनर, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं।
I too rest my case. Thank you. Silence, please. जूरी मेंबर्स, आपने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, उनके सारे गवाह और सबूत देखे जी। अब आपको फैसला करना है। याद रहे, फैसला बहुमत से होना चाहिए। इसके लिए आप पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। जूरी का जो भी फैसला होगा कल सुनाया जाएगा। चला। अरे झुकना नहीं कहीं भी। केस जूरी के पास गया। साहब, मुझे जूरी 4% सिलेक्ट करने के लिए आप सबका शुक्रिया। दलीलें शुरू करने से पहले हम एक इनफॉर्मल वोट ले लेते हैं। जी, आपसे शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स नॉट गिल्टी। वेयर इज द डाउट? ऑफ कोर्स गिल्टी, डेफिनेटली नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। पता नहीं, गिल्टी, नॉट गिल्टी, गिल्टी। Even I am not sure. तीन members का कहना है कि Commander Powery guilty है। चार members कह रहे हैं कि he is not guilty। और दो लोग अभी भी undecided हैं। So, let's start the discussion. Conviction पक्का है। फांसी या उम्र कैद? मेरे हिसाब से खून की सजा फांसी होना चाहिए। खून नहीं है ये। It is self-defense. मैंने अपना वोट डिसाइड कर लिया है। गिल्टी। यस। अगर उसे मर्डर करना ही होता तो कहीं भी बुला के मार देता। आप समझ रहे हो? और क्या? क्या सबूत है कि यह सेल्फ डिफेंस था? ये प्लांट मर्डर था। इसका क्या सबूत है? कुछ भी नहीं। शांत हो जाइए, झगड़ा बंद करो। खन्ना साहब सही बोल रहे हैं। आई चेंज माई वोट टू नॉट गिल्टी। क्या बात है कमांडर साहब, नींद नहीं आ रही? आपको भी तो नहीं आ रही है? एक एक बाजी हो जाए। नहीं कमांडर साहब, जैसा कि आप समझ चुके होंगे, मुझे हारने का कोई शौक नहीं। उस रोज आपने मुझे शतरंज में हराया, आज अदालत में मैंने हिसाब बराबर कर दिया। कमांडर, ये बाजी आप हार चुके हैं। बस एक अफसोस जरूर रहेगा कि सच क्या था वो आपके मुंह से नहीं सुन पाया। मेरी वजह से आपको कोई अफसोस हो, ये बात तो बहुत गलत है लोबो साहब। आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप अपनी जीत से ज्यादा खुश हैं? और आपकी नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। लेट मी हेल्प यू। लोबो साहब, ये कहानी एक साल पहले शुरू हुई। विक्रम के नेवी में बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे, और जिस दिन उसे पता चला कि इंग्लैंड में एक 15 साल पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर यूं ही अधूरा पड़ा हुआ है, तब उसने मेरे सीनियर रियर एडमिरल कामत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और मेरी पोस्टिंग लंदन में करवा दी।
जब मैंने एयरक्राफ्ट कैरियर का इंस्पेक्शन किया तो वो एकदम सड़ा हुआ था। मैंने ऑब्जेक्शन लिया। रुस्तम, डोंट वरी, ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमें आधे दाम पे मिल रहा है। एक बार इंडिया आ जाए फिर हम वो सारे चेंजेस कर देंगे जो तुम रिकमेंड कर रहे हो। विक्रम इज़ हियर, ये तुम्हें समझाएगा। रिलैक्स। वन स्कॉच प्लीज। सर, अच्छी रिपोर्ट बना, इसके लिए मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। तुझे कितने मिल रहे? अब तुझसे क्या छुपाना, 5 करोड़। रुस्तम, सोच लो। रुस्तम, तुम बहुत ही मामूली हो, मेरे पास और भी तरीके हैं। मैंने इस बात को ऊपर पहुंचाने का फैसला लिया, क्योंकि इस स्कैम में रियर एडमिरल कामत इन्वॉल्व था, इसलिए मैं सीधे डिफेंस सेक्रेटरी बख्शी को मिलने गया, जो उन दिनों लंदन में ही थे। हाँ रुस्तम, तो बताओ क्या अर्जुन बात थी? सर, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बड़ी गड़बड़ हो रही है सर, पूरा कैरियर सड़ा हुआ है। तुमने ये बात अपने सुपीरियर्स को बताई? जी सर, मैंने रियर एडमिरल कामत को ये बात बताई थी, एंड आई एम कन्विंस्ड इस डील में वो भी विक्रम के साथ शामिल है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए ब्राइब भी ऑफर की, जस्ट टू टो द लाइन। 10 लाख? जी हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात मैं आपको डायरेक्टली आके बताऊं। ये विक्रम भी बेवकूफ है। आई मीन, ही शुड रियलाइज कि ये करोड़ों का खेल है। उसे कम से कम तुम्हें 20 लाख ऑफर करने चाहिए थे। बट डोंट वरी, मैं उससे बात करता हूं, मैं तुम्हें 20 लाख दिलवाऊंगा, रेस्ट अश्योर्ड। और जब मैं नहीं माना तो रातों रात मेरा ट्रांसफर करवा दिया, और इससे पहले मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन प्रपोज करता, उन्होंने मेरी पोस्टिंग INS मैसूर में करवा दी, जो 6 महीने के लिए बाहर जा रहा था। विक्रम ने मुझसे बदला लेने के लिए सिंथिया का इस्तेमाल किया, और यही मेरी हार थी लोबो साहब। जो इंसान देश की हिफाजत की बात करता है वो अपना घर भी नहीं बचा पाया। सिंथिया की कोई गलती नहीं थी, एक तरफ मेरी ज्यादा जिंदगी थी और दूसरी तरफ था एयरक्राफ्ट कैरियर का स्कैम, एंड दैट इज द रीजन आई प्लान्ड एवरीथिंग। सर, मैं आपसे कुछ मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया। मैं विक्रम से कहता हूं कि तुमसे मिले और ये मैटर सॉर्ट आउट करें। मिलने तो मैं उसे जा रहा हूं, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और एक और बात, लंदन एयरक्राफ्ट कैरियर की रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट कॉपी मेरे पास है, जो प्रूफ कर देंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितना सड़ा हुआ है और हमारे देश का इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखता हूं आप लोग कैसे बचते हैं। रुस्तम, डोंट बी फुलिश। आई ब्लडी एक्सपोज यू ऑल। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका, मिलने तो मैं आपसे जा रहा हूं। बस मुझे ये नहीं पता था कि मेरा कॉल रिकॉर्ड होगा, और बख्शी उस कॉल को अदालत में आधा सुनाकर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैं विक्रम के घर पहुंचा तो क्या बात है कमांडर साहब, आज सुबह सुबह ही लगता है आपकी धर्म पत्नी ने खूब जम।
फिर आपने अदालत में बख्शी और कामन को एक्सपोज क्यों नहीं किया? सिविलियंस का नेवी से भरोसा नहीं उठना चाहिए लोबो साहब, और हमारे कुछ करप्ट ऑफिसर्स की वजह से पूरी नेवी बदनाम हो और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो, यह मैं नहीं चाहता था। और आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर के रिपोर्ट की जो कॉपी थी? मेरे पास रिपोर्ट की कोई कॉपी नहीं थी, इट वॉज अ ब्लफ। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि वो सड़ा हुआ जहाज उस हालत में किसी भी कीमत पर हमारे देश में नहीं आए। इंडियन नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर आएगा, लेकिन जो चेंजेस मैंने कहे हैं वो करने के बाद। कमांडर साहब, कल जब जूरी आपको दोषी ठहराएगी तो? नहीं लोबो साहब, आई विल वॉक टुमारो। ये जूरी कल मेरा साथ देगी। इतना यकीन कैसे आपको? आप यहां जो बैठे हैं लोबो साहब, आप, ये जूरी और बाहर पब्लिक सब ये जानते तो हैं कि मैं गलत हूं, पर साथ साथ ये भी मानते हैं कि मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। विक्रम डिजर्व टू डाई एंड आई डोंट डिजर्व टू बी पनिश्ड। गिल्टी। तो ये फाइनल फैसला है? यस जी। ठीक है, लेट अस इन्फॉर्म द कोर्ट। जूरी का फैसला बहुमत से है? जी हां। कमांडर रुस्तम पावरी को विक्रम मकीजा की कत्ल के लिए 8-1 के बहुमत से निर्दोष पाया।
प्रीति, प्रीति डोंट वरी, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। डेफिनेटली, पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। चला चला, आपले आपल्या घरी जाता चला।